नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। आज हम मुगल काल के समय की सबसे खूबसूरत स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी। हम जिस रानी की बात कर रहे हैं, उनका नाम मुमताज था। मुमताज का निकाह शाहजहाँ से 10 मई 1663 ईस्वी में हुआ था। मुमताज शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी, जिनसे शाहजहाँ को 14 बच्चे हुए। कहते हैं अपनी बेगम मुमताज की याद में ही ताजमहल का निर्माण कराया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देने के दौरान लेवर पेन से मुमताज की मौत हो गई थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहाँ आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, सिरोंज, हांडिया होते हुए बुरहानपुर लाए थे। वे ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी मौत हो गई। शाहजहाँ, जिसे शुरू में राजकुमार खुर्रम नाम दिया गया, शाहजहाँ का जन्म 1592 में हुआ था। वह भारत के चौथे मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र और अकबर महान का पोता था। 1607 में जब मीना बाजार में टहलते हुए दरबारियों के साथ शाहजहाँ ने रेशम और कांच की माला पहने एक लड़की को देखा, शाहजहाँ को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया। यह लड़की मुमताज थी, जो उस समय अर्जुनमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी। उससे मिलने के बाद शाहजहाँ अपने पिता के पास वापस गए और उसने घोषणा की कि वह मुमताज से शादी करना चाहते हैं। साल 1612 में उनकी शादी हुई। मुमताज के इन 14 बच्चों में से एक कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब भी था। कहा जाता है कि मुमताज की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के समय हुई थी। शाहजहाँ के अलावा मुमताज पर कई राजाओं का दिल आया था। वे दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।